लेकिन हाथों में मैं ग्लव्स डालना भूल गया। मेरे को पता लग गया तू मेरे को क्यों लेके आया अपने साथ। क्यों लेके आया? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज संडे है और आज मेरी नींद जल्दी खुल गई है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब इस दिन मेरा ऑफिस नहीं होता है उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। तो फिर मैंने और सचिन ने सोचा कि आज हम मार्कंडेय ऋषि टेम्पल जाके आते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू होता है, कैसा मंदिर है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, अभी मैं जस्ट उठा हूँ, तो वहाँ जाने के लिए हमें नहाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जाके रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं मार्कंडेय ऋषि टेम्पल। जिन्होंने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाकर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। 2000 years later. तो गाइज मैं नहा लिया हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पिछले कुछ टाइम में 4-5 बार मैंने जो है मार्कंडेय ऋषि जाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। वो कहते हैं ना कि भगवान अपने दर पर खुद बुलाते हैं। आज इतने टाइम बाद मेरा जाना हो रहा है। अभी सचिन जो है अपने घर गया हुआ है, मैं सचिन का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं और सचिन जाने वाले हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं और सचिन भाई रेडी हो गए हैं। फाइनली सचिन भाई आ गया है 3-4 घंटे अपने घर नहाने के बाद, अच्छे से नहा के आया है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्कंडेय ऋषि के लिए। बाकी हम आपको रास्ते में मिलते हैं, बने रहिएगा व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस चलते चलते अभी हम रुक गए हैं रास्ते में हाईवे पे, जहाँ से मार्कंडेय ऋषि टेम्पल के लिए रास्ता मुड़ता है। वैसे तो मैंने जैकेट पाल ली थी आज क्योंकि मेरे को पता था कि थोड़ा ठंड तो होगा ही। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। लेकिन हाथों में मैं ग्लव्स डालना भूल गया तो मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे, इसलिए मैं धूप में रुक गया हूँ थोड़ा। थोड़ी देर धूप में अगर खड़ा रहूंगा तो जो है बॉडी गर्म हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। ये देखो यहाँ से गाइस रास्ता है, ये जो मार्कंडेय ऋषि टेम्पल के लिए ऊपर को जाता है, ये सिमला वाले हाईवे पर पड़ता है, बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर है। सो गाइस ये है मेरी बाइक टीवीएस रेडर 125, जो कि मैंने दिसंबर 2021 में परचेज करी थी। अभी दिसंबर में इसको पूरे 3 साल होने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले इसका जो है बैक का एक इंडिकेटर जो है टूट गया था, तो मैं शोरूम गया था, शोरूम वालों को बोला मैंने, उन्होंने अभी तक मेरे को इसका इंडिकेटर नहीं मंगवा के दिया है। और इसके जो शीशे थे वो भी मैंने दोनों निकाल के रख दिए हैं क्योंकि इसका एक शीशा टूट गया था। उसके बाद मैं शोरूम गया था तो उन्होंने इसमें जो है अपाचे बाइक का जो है शीशा लगा दिया था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसमें थोड़ा बड़ा भी था वो। तो मैंने दोनों के दोनों शीशे निकाल के रख दिए हैं, अभी इसमें मैं दूसरे शीशे नए लगवाऊंगा। चलो गाइस अब चलते हैं मार्कंडेय ऋषि टेम्पल की तरफ, काफी देर हो गई मुझे धूप में खड़े हुए, अभी यहाँ से चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा मंदिर है जाकर के। तो कहाँ लेके जा रहे हो अभी? चलाते हो आप इसको? चलाते हो? चला के दिखाओगे एक बार? इधर आओ, इधर चला के, इधर आओ। क्या बात है, क्या बात है यार, बिना सीट के चला लेते भाई तू तो। गैस ये जो सामने दिख रहा है ये मार्कंडेय ऋषि टेम्पल का जो है मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप अंदर को जाएंगे तो अंदर जाकर मार्कंडेय ऋषि टेम्पल है। तो गैस ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है मार्कंडेय ऋषि टेम्पल। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, देखने में काफी सुंदर बना रखा है इन्होंने। कितने का है अंकल जी, कितने का है? 60 रुपये। मैं ऑनलाइन कर दूंगा आपको, दोनों के 60 होएगी। लेकिन किधर से चलेंगे हम? किधर से चलेंगे हम? किधर से? नहीं ये जूते कहाँ उतारेंगे? हाथ भी धोने हैं, जूते उतारने हैं, हाथ धोने हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, अभी हम लोग सबसे पहले जूते उतारेंगे, उसके बाद कहीं हाथ धोएंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। ये देखो गाइस सामने जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, जो आप देख रहे हो ये मंदिर है, यहाँ पर हम जूते उतारेंगे, हाथ धोएंगे पहले। चलो चलाएंगे, पहले हाथ धोएंगे, जूते उतार, हाथ धोएंगे पहले। बढ़िया स्नान करके आते हैं। चल किधर लेके चलता हूँ, बैग इधर ही छोटा कभी लेके जाना, बैग साथ में रख। अरे कोई नहीं जाता भाई, यार बैग साथ में रख यार, दिमाग में सिखा रिया है। चुप रहे तू, चारों तरफ कैमरा के अंदर है।
मेरे को पता लग गया तू मेरे को क्यों लेके आया अपने घर। क्यों लेके आया? ताकि मैं तेरा सामान उठा सकूं। क्या बोला तूने? अच्छा अच्छा तू इसलिए आया मेरे साथ तेरा सामान उठा सके? क्यों? तेरा मकसद है? सचिन को लग रहा है कि मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ कि मैं इससे अपना सामान उठवा सकूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो गाइस, यहाँ पर ये अंदर नहाने के लिए है। कैसा सीन बनाया हुआ है देखो। चलो गाइस बोले सचिन, हाथ फिर मैं धोना। चलो भाई अब हम लोगों ने गाइस हाथ धो लिए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर के। पंडित जी तो चले गए वो खड़े। ये देखो गाइस, ये हवन के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। इतना सही है, कितना स्पेस है इन्होंने स्पेस लेके बनाया हुआ है पूरा। नाम भी बता दे क्या क्या है पढ़ के। ये 12 ज्योतिर्लिंग है भाई, चल गया मुझे पता। ऐसे ही सोचेगा तो मेरे बारे में, पर मुझे सब पता है। चल कहाँ चलेंगे बता, आ जा। तो गाइस हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए हैं, पंडित जी ने हमें बहुत सारा अच्छा अच्छा ज्ञान दिया। बोल रहे थे अगर अभी बचपन में और जवानी में अगर भाग लोगे तो बुढ़ापे में भागना भी नहीं पड़ेगा, बुढ़ापे में आप लेट करके खाओगे, यही उम्र होती है भागने की। बोले 50 के बाद आप भाग नहीं पाओगे। और भी उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई। चलता है तो वहाँ पर भाई फोटो इधर बड़ी जबरदस्त आएगी। यहाँ क्यों बैठा हुआ है? खड़ा हो जा चल पकोड़े खाते हैं। पकोड़े खा ले तो चल पकोड़े खा। ये देखो ये भाई अभी अंदर से नहा के आए हैं। भाई आप पहली बार आए हो यहाँ पर? पहली बार नहीं आए हो? आते रहते हो आप यहाँ पे? नजदीक से ही हो? अच्छा अच्छा सही है। गर्मियों में तो फिर मजे है आप लोगों के, तो अंदर अच्छे से नहाते हो। हम लोगों ने अब दर्शन कर लिए हैं, अभी हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे थोड़ी देर में। पकोड़े लेने गया है सचिन, पकोड़े खाएंगे। यहाँ पर मुझे कुछ भाई मिल गए थे, इन लोगों से मैंने पूछा, इन लोगों का घर यहीं पे है पास में ही, तो ये लोग तो आते रहते हैं यहाँ पर, और गर्मियों में तो यहाँ अंदर आके नहाते हैं ठंडे पानी से। चलो अच्छा है भाई, आप अच्छा लगा भाई आपसे मिल के, अच्छा लगा भाई आपसे मिल के। आपका नाम? मेरा नाम अंकित है। और आपका? और आपका भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, अभी मैं थोड़ा बनाना स्टार्ट किया है ना, अभी डालना स्टार्ट किया है। ठीक है गाइज, मैं अभी जैसे बाहर निकलूँगा यहाँ से फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पकोड़े बनाने लगे हुए हैं, यहाँ से हम पकोड़े लेंगे। अंकल जी कैसे दिए हैं पकोड़े? 50 रुपए भाव, 200 रुपए किलो। पावर बहुत हो जाएंगे हम दोनों के लिए? पावर बहुत होंगे पाइया, बहुत होंगे हम दोनों के लिए? हाँ खा लेंगे। अच्छा ठीक है, तो पाइया डाल दो ना, फिर ऐसे गरम गरम देना। ठीक है चटनी है? चटनी ठीक है दे दो।
गाइस हम लोगों ने थोड़े से पकोड़े मंगवा लिए थे, तो अभी हम थोड़े से पकोड़े खा लेते हैं। गरम गरम पकोड़े बनाए अंकल जी ने, थोड़े से नहीं है, ग्रीन चटनी नहीं है उनके पास। इस चटनी को बजाय जाना मैं बिना चटनी के खा लूंगा। क्या दे दे बस अंकल जी। भाई ये देखो पकोड़ा बिल्कुल गरम गरम है भाई, मजा आ रहा खाने में। अंकल जी दूसरी चटनी नहीं है? नहीं यही है हमारे पास। यही है, ठीक है चलो कोई नहीं। अंकल जी को पूछा मैंने कि अंकल जी हरी चटनी नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उनके पास यही चटनी अवेलेबल है। चाय भेजी है बस। मेरे फ़ोन में 20% चार्ज रह गया है, मुझे अभी फ़ोन चार्ज लगाना पड़ेगा। वैसे तो मैं 100 करके चला हुआ था, लेकिन आईफोन में चार्ज बहुत कम चलता है। इसको यहीं पे चार्ज लगा लूँगा, क्योंकि पता नहीं रास्ते में मुझे कहीं चार्ज लगाने के लिए सॉकेट मिलेगा नहीं मिलेगा। गाइस मैंने फ़ोन चार्ज लगाया था, लेकिन थोड़ी देर में ना यहाँ पर लाइट चली गई और मेरे फ़ोन में 4% ही चार्ज एक्स्ट्रा हो पाया। तो अभी मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।